Good morning, children. I am Shikha Mishra from KPS Nehrunagar Bhilai. I am your Hindi teacher. Ankush Pathmala Bhag 2 ki Part 3 Vidhuon ki Sunne Kahani Kavita ka Part karenge. Is Kavita mein hame Vidhuon ke baare mein bataya gaya hai. Bachchon, kya aap jante ho ki Vidhuon kya hoti hai? Vidhuon ka arth hota hai Mausam. Mausam kabhi bhi ek sa nahi rehta. आप जानते हो कि मौसम कितने प्रकार के होते हैं? मौसम 5 प्रकार के होते हैं। पहला गर्मी, दूसरा सर्दी, तीसरा बसंत, चौथा पतझड़ और पांचवा वर्षा ऋतु। ये कुछ कठिन शब्द पढ़ते हैं। पहला निराली, दूसरा स्वेटर, तीसरा बसंत, चौथा बरखा, पांचवा पतझड़, छठवां मौसम। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। बच्चों, ऋतुएं का अर्थ होता है मौसम। आज हम इस पाठ में ऋतुओं के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्दी के दिन हमें न भागते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। सर्दी के दिन का अर्थ होता है ठंड का मौसम। इस मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दी के मौसम के बाद आता है बसंत का मौसम। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। बसंत ऋतु में हमें चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम आता है। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। गर्मी के मौसम में सूरज और भी गर्म हो जाता है। गर्मी के मौसम के बाद आती है बरखा रानी। बरखा रानी का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तब आती है बरखा रानी, झमझम झमझम बरसाती है पानी। बरखा रानी में क्या होता है? बारिश होती है। और ये कैसे पानी गिरता है? झमझम करके पानी गिरता है। बारिश के मौसम के बाद आता है पतझड़ का मौसम। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। पतझड़ के मौसम में पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। अभी भी मौसम बाज न आए, कड़कती ठंड फिर से दे जाए। पतझड़ के मौसम के बाद फिर से ठंड का मौसम आता है और वह फिर से कड़कती ठंड हमें दे जाता है। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता। हमें इस मौसम से यह सीख मिलती है कि कभी भी समय एक सा नहीं रहता है। वैसे ही मौसम भी अपनी बारी बारी से आते हैं।